स्कूल खोले जाने का मामला, सरकार अब भी कश्मकश में। बच्चों की हिफाजत को लेकर भी अब तक कोई तैयारी नहीं, वालिदैन भी परेशान। आदाब, मैं फरहत शरीफ, लंतरानी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस और तीसरी लहर के खतरे में हालांकि जिंदगी मामूल पर आ रही है। ट्रेन में भी दो वैक्सीन लेने वाले सफर करना शुरू कर दिए हैं। बसों में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। धीरे धीरे लोगों के काम धंधे भी शुरू हो चुके हैं, मगर स्कूल और कॉलेज के खोले जाने को लेकर कोई बात साफ नहीं हो रही है और ना सरकार इस ताल्लुक से कोई आखिरी फैसला ले पा रही है। हर बार कोई फैसला किया जाता है और कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए फैसला वापस ले लिया जाता है। अभी कल आदित्य ठाकरे ने ये बात कह दी कि अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी बच्चों की हिफाजत के बारे में कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। कुछ दिन पहले ये बयान भी सामने आया था कि सितंबर में स्कूलों को खोले जाने के बारे में गौर किया जाएगा। जिस तरह के हालात हैं और तालीम और तदरीस को लेकर जो काम किया जा रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि इस साल भी स्कूल कॉलेज खुलने के कोई आसार नहीं। बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क होते देख वालिदैन भी परेशान और फिक्रमंद हैं। पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लंतरानी न्यूज़, मुंबई।